Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Harinath Singh, intern at AIIMS New Delhi. इस वीडियो में बात करेंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बारे में. राइट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब नीट 2023 का एग्जाम पास आ रहा है तो बहुत ढेर सारे स्टूडेंट जो है ये वाला पार्ट तो रिवाइज कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर रहे हैं. दैट इज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए चैप्टर. पहली बार आप चैप्टर को समझ रहे हो, याद कर रहे हो, या दूसरी बार या तीसरी बार, मतलब रिविजन के थ्रू. राइट, तो इसमें स्टूडेंट को काफी आसानी होती है क्योंकि उनके पास वीडियो लेक्चर्स होंगे रिकॉर्डेड, जिसको वो 1x 2x पे प्ले करके आराम से मत खाते हुए वो चीजें समझ लेते हैं. राइट, या फिर वो नोट्स बना रहे होते हैं. ओके, इसमें मजा आता है, डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, या फिर बुक पढ़ रहे हैं. बुक में क्या कर रहे हैं, पैसिवली पढ़ रहे हैं एंड उनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं. जो भी लाइन उनको इंपॉर्टेंट हो या ना हो, अंडरलाइन करते जा रहे हैं. राइट, तो ये वाली चीज तो आप ना यार काफी पैसिवली कर लेते हो, बहुत कुछ एक्टिव नहीं होता है यहाँ पे. ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हो तो आप एक्टिवली रिकॉल करते हो, वो सारी चीजें हैं. बट मेन टेस्टिंग जो होती है यार आपकी तब होती है जब आप जो समझे हो, राइट, या याद किए, उसको आप अप्लाई करना शुरू करते हो. और अप्लाई आप करते हो यार एमसीक्यूज के थ्रू. राइट, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में आने वाले, वो रोट लर्निंग पे अब काफी कम बेस्ड रहते हैं. राइट, आप देखोगे नीट का पेपर उठा के 2020, 2021 एंड 2022 में इजी क्वेश्चन तो यार सब कर जाएंगे. ठीक, वो रोट मेमोरी पे बेस्ड होता है. राइट, बट जो मीडियम और टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जो रैंक डिसाइडिंग हो जाते हैं या फिर वो कॉलेज डिसाइडिंग हो जाते हैं, क्योंकि अब कट ऑफ भी आप देख रहे हो 600 अप्रोच करती है, 610 अप्रोच करती है पिछले 3 साल से. राइट, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हर लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हर टाइप के एमसीक्यूज, हर लेवल के और हर टाइप के एमसीक्यू. राइट, अब एमसीक्यूज यार क्या होता है, स्टूडेंट जो मॉड्यूल फॉलो कर रहे होते ना, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, मॉड्यूल के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं या फिर कोचिंग के जितने भी टेस्ट होते हैं, वो काफी हद तक मॉड्यूल बेस्ड होते हैं. बट एनटीए तो यार एनसीईआरटी से सवाल पूछेगा. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यार मैं आपको दो तरीके से हेल्प करने वाला हूँ. पहला, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आपको मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, अभी दिखा दूंगा उसका सिलेबस क्या है, टाइम टेबल क्या है. राइट, एंड आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ. ये सब जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनियन एआरएस पे कंडक्ट करने वाला हूँ. तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एमजोनियन एआरएस. ठीक है, आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ये नाम सर्च कर सकते हो या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और स्टेप टू ज्वाइन इन द टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन कर दिया. राइट, सो ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है. डेली एमसीक्यू वर्कआउट के नाम से मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिए, आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है. राइट, ऐसे ही मैं आपके लिए टेस्ट भी अपलोड करूंगा. टेस्ट सीरीज का भी जो स्केड्यूल है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप बस उसको आंख बंद करके फॉलो करते जाओ. कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको कभी भी ये फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा कि यार ये सवाल तो बाहर से आ गया, मैं कहां से पढ़ूं, मेरी तो एनसीईआरटी कवर नहीं हुई है एंड मैं ये सवाल कहां से ढूंढूंगा जो एनसीईआरटी के बाहर से आ रहे हैं कोचिंग पेपर में. ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स को होती है. राइट, एंड वो मेरे को परसिस्टेंटली मैसेज करते रहते हैं, एक परवेजिव थॉट बन जाता है दिमाग में और एक नेगेटिव सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट के माइंड में कि यार इतना समय तो है ही नहीं कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड में जाओ. तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड तो आपको बायो में स्पेशली जाने की जरूरत है भी नहीं यार. ठीक है, तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं डेली एमसीक्यू वर्कआउट के फॉर्मेट में. दैट इज योर डीपीपीस. इसमें 40 क्वेश्चन होंगे. 40 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपके 10, 10, 20 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया. ये लेटेस्ट पैटर्न क्या है आपका, सभी टाइप के देखो इसमें क्वेश्चन होंगे आपके. ठीक है, एजर्शन रेज हो गए, एजर्शन रीजनिंग हो गई, स्टेटमेंट टाइप हो गया, मैथ द कॉलम, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, फिर बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे. छोटे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ईजी, मीडियम, टफ, तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. टफ मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर के, टफ मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से क्रिएट किए गए जो आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे एक्चुअली, और वही क्वेश्चन आपके देखना रैंक डिसाइडिंग हो जाएंगे पेपर में. और कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि यही पीडीएफ से आपको क्वेश्चन सेम टू सेम या फिर वही कॉन्सेप्ट नीट के पेपर में देखने को मिल जाएंगे. राइट, सो इसका अब सिलेबस क्या है यार. ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए टेस्ट भी अपलोड करेंगे, पर अभी जान लेते हैं कि यार ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का आपका सिलेबस क्या है, किस चैप्टर को हम किस दिन टारगेट करेंगे. राइट, तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पे मेरे आओगे, ओके, तो आप यहां पे देख पाओगे. यहां पे आप देख सकते हो स्केड्यूल ऑफ डेली एमसीक्यू वर्कआउट, इस पर अगर आप क्लिक करोगे. राइट, सो ऐसा कुछ पीडीएफ खुलेगा एंड यहां पे अगेंस्ट द डेट्स मैंने सिलेबस मेंशन कर दिया आपके लिए. राइट, डे वाइज
एंड डेट वाइज, आज 8th of October है, जब मैं 8th of December है सॉरी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्सडे इलेक्ट्रिकल चार्जेस फील्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, ये तीनों का मैंने डीपीपी आपके लिए अपलोड कर दिया, एक डीपीपी। ऐसे ही हम डीपीपी अपलोड करते जाएंगे, अगर आप इस पीडीएफ के एंड में जाओ 25th of February तक आपके लिए डेली हम आपके लिए डीपीपी अपलोड करेंगे। एंड आपका यार देखो, कई स्टूडेंट्स को ना ये प्रॉब्लम होती है कि भैया मैं ये वीडियो 21st of December को देख रहा हूँ सपोज, तो मैं क्या ये स्केड्यूल फॉलो कर सकता हूँ, क्या मैं रोस्टर फॉलो कर सकता हूँ, क्या मैं ये टाइम टेबल फॉलो कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर लो यार, क्योंकि तुम्हारे पास यार मार्च एंड अप्रैल का पूरा समय रहेगा, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल है, उसमें तुम्हारे जितने भी वीक एरियाज हैं, जो तुम्हारे टेस्ट में वीक एरियाज होते हैं, जितना भी तुम्हारा बैकलॉग है, जितना भी सिलेबस तुम कंप्लीट नहीं कर पाए हो प्राइमरी रीडिंग या फिर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब तुम मार्च और अप्रैल के 60 दिन में डील कर सकते हो। ठीक है, मई के अगर फर्स्ट वीक में भी एग्जाम होता है, तुम्हारे पास 60 डेज है समझ लो, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप रिग्रेस प्रैक्टिस कर सको, रिग्रेस रिविजन कर सको, अपने वीक एरियाज को क्योर कर सको उस समय। अभी क्या करना है, तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान रखना है और एक टाइम टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेबल तुम्हें एक डेडलाइन देता है, वरना तुम पोस्टपोन करते रहोगे अपने सिलेबस कंप्लीशन को और मार्च टू अप्रैल पहुंच जाओगे, फिर रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा। एंड रिविजन इज द की, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहां पे आपको एक लिमिटेड टाइम में लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको तकरीबन एक मिनट मिल रहा होता है, राइट। सो ये जो पूरा स्केड्यूल है आपको फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये पीडीएफ एंड डेली एमसीक्यू वर्कआउट आपको करते जाना है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको अपीयर करते जाना है। एंड स्टॉपवॉच पे कीजिएगा, बिकॉज ये 40 क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए, 40 मिनट्स में हो जाए या फिर 35 मिनट्स में, क्योंकि नीट में भी आपको इतना ही समय मिलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, ये बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट।